निरंकारी संत समागम का आज ये पहला दिन है। निरंकारी संत समागम का शुभारंभ यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पदार्पण के साथ हो रहा है और इस तरीके से निरंकारी जो संत भक्त हैं और यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो वेलकम में जुटे हुए हैं और पूरा भावपूर्ण अभिनंदन किया जा रहा है। और दूसरी ओर ये कतारें बना के निरंकारी सेवा दल के सदस्य और जो है बहनें खड़ी हुई हैं और साथ में इसी के जो है कई जो निरंकारी भक्त जो यहाँ सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं वो भी जो है पलके बिछाए अपने सद्गुरु का दीदार कर रहे हैं। तो ये दृश्य जो है वो निरंकारी संत समागम का है और यहीं से ये आज 3 दिवसीय निरंकारी संत समागम शुभारंभ हो रहा है। सेवा के उद्घाटन रूप में हम सब इधर आए हैं और ये जो एक तरह से कहा जाए तो ये फेस्टिविटी पूरे साल की जो हमारा त्यौहार भी छोटा वर्ड है पर ये जो हमारे रूह के लिए ये जो उजाला है ये ब्रह्म ज्ञान का उजाला उसका जो वार्षिक रूप में जो ये नवंबर के महीने में हर साल और समालखा के इस प्रांगण में ये दूसरी बारी ये जो अवसर हमें मिल रहा है तो चाहे कितने ही महीनों से इसकी तैयारियां भी करने के लिए पहले सब संगत शुरू हो गई थी पर विधिवत आज ये जो उद्घाटन रूप हुआ है सेवा का और आप सब यहाँ सेवा दल के यूनिफॉर्म में सजकर जो आए हैं तो दाता कृपा करें कि ये सेवा भाव हर एक के ये सिर्फ सेवा दल के यूनिट में जो हैं उनके ही लिए नहीं बल्कि एक एक जो भी संगत का पाठ हैं या फिर किसी भी तरह किसी भी सेवा में योगदान जो दे रहे हैं तो सभी के लिए श्री दाता कृपा करें कि हम ये समर्पित भाव से बिल्कुल एक निष्काम भाव से ये सेवा को आगे बढ़ाते रहें कि निरंकार के प्रति ये जो सब महापुरुषों के अंदर एक एक जो भी व्यक्ति हमें दिख रहे हैं महापुरुष उनके अंदर ये जो निरंकार रूप की जो ये ज्योति है उसके प्रति समर्पित होते हुए सिर्फ एक दूसरे का कंफर्ट देखते हुए अपने मन में वो भाव रखकर कि ये जो सेवा है वो हम उस लिए कर रहे हैं कि ये एक तरह से पूजा अर्चना ही है हमारी वो हमारे मन के भाव ही हैं जो खुद को कुछ ना मानते हुए और सामने वाले को ही परमात्मा देखते हुए उसमें तो दातार सभी पे कृपा करें कि ये जो संदरंकारी मिशन का ये जो 90 साल की आज हम ये तौफीक जिसको हमारे ऊपर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो एकत्व का ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का वननेस का ये पीस हार्मनी और सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को इनवाइट करते हुए जो ये मिशन का उद्देश्य है ये घर घर पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और दाता कृपा करें कि सेवा सिमरन और सत्संग के जो गहने हैं हम सब हमेशा अपनी झोली में ये रखते हुए एक उस भाव से ही आगे से आगे बढ़ते चले जाएँ। और दासी जिस तरह अभी उद्घाटन रूप में सबने वो दृश्य भी देखा कि ये ज़मीन पे जो मिट्टी थी उसमें वो टक लगाने वाली बात सिर्फ वो एक कार्य ही नहीं था पर हर एक संत की सेवा जो कितने भाव से कितने दूर से आते हैं समागम को ये मुकम्मल करने के लिए तो दाता सभी पे कृपा करे सभी को हर तरह की खुशियाँ मिलें। सत्संग जी धन्यवाद।